मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर हरियाणा से कोई आए या आसाम से कोई आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर कर्नाटका महाराष्ट्र से कोई त्रिपुरा में आए। आप भी हिंदुस्तान के, हम भी हिंदुस्तान के, लेकिन अगर बांग्लादेश से अगर लोगों को बैठाया जाए और उनको हाथ में, उनके हाथ में 70 साल से प्रशासन दिया जाए, तो ये हमारे इंडिजिनस त्रिपुरा साहब के साथ अन्याय हुआ है। और आज जो हमारा ये आंदोलन जिसमें कोई पार्टी को नहीं देख रहा है, सिर्फ जाति को देख रहा है, आज ये जो आंदोलन है ये देश के हित के लिए है, ये त्रिपुरा के हित के लिए है, ये हिंदुस्तान के हित के लिए है। हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपने ये जो डिमांड किया है उसमें आप क्या चाहते हैं। आज यहां में हमारे संग मुनीश तमांग जी भी है, कहां मिल जाए यहां में गोरखा भी डिमांड कर रहा है अपने लिए राज्य। कोई कुछ कोई बोल सकता है कि गोरखा देश के खिलाफ है? आज सबसे ज्यादा सेना में अगर कोई है तो वो हमारा गोरखा है। आज यहां में तिरंगा भी लहराया जा रहा है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। यहां में हमारे भाई हैं दीपेंद्र जी, मेरे संग बहुत पुराने समय तक हम लोग एक ही पार्टी में रहे, लेकिन जो दीपेंद्र जी है वो जाट है, जाट भी एकदम हमारे तिपरासा जैसा है, इमोशनल होता है। और जब जाट अपना माइंड मेकअप करता है, जब तिपरासा अपना माइंड मेकअप करता है, तो कोई भी इंडिया में हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर एकता अखंडता है। और आपने देखा होगा एक साल तक दिल्ली को बंद करके रखा, लेकिन किसान का बिल इन्होंने वापस लिया। हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए इनसे कि जो वॉरियर लोग होते हैं ना, जो जो जमीन में राज करते हैं ना, जो झगड़ा कर सकते हैं, जो फाइट कर सकते हैं, उनके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए। और यहां में इनका दिल बड़ा है, ये आए हैं। हमारे आसाम के एमपी आए हैं शरण्य जी, इनका भी एक एक आइडियोलॉजी है कि आंचलिक पार्टी, रीजनल पार्टी, अगर हम अपने विजन के बारे में बात करें, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, इसका यह मतलब नहीं है कि हम देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, और जब तक रीजनल पार्टी अपने जाति और अपने लोगों के बारे में बात करेगा, तब तक दिल्ली भी हमारा बात सुनेगा। जिस दिन हम अलग अलग होकर बात करेंगे, आज बहुत अच्छा लगता है कि यहां में एमपीज है जो त्रिपुरा के नहीं है। 70 साल से हमारे एमपीज भी गए हैं त्रिपुरा से, मेरे माँ गया है, मेरा पिताजी गया है, लेकिन आज पहला बार मैं देख रहा हूं कि त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को समर्थन करने के लिए बाहर से भी एमपीज आ रहे हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना से आया जयराम रमेश जी आए, आज दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं, यहां में नवचरण जी आए हैं, और थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का भी एमपी संजय सिंह यहां आ रहा है हमें सपोर्ट करने। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे हरियाणा के एमपी और बहुत ही डायनामिक लीडर, जब वो अपना कमिटमेंट दे देता है तो खुद कभी नहीं सोचता है, वो कुछ शब्द बोले। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जो संवैधानिक डिमांड है, उनके पक्ष में 2-3 शब्द बोले। और मैं अनुरोध करता हूं कि एक दिन आएगा कि त्रिपुरा का एमपी ने आज तक पार्लियामेंट में नहीं बोला है, लेकिन एक दिन आएगा शायद अपना आसाम या हरियाणा का एमपी भी हमारा आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा। मैं अनुरोध करता हूं मेरे भाई को दीपेंद्र हुड्डा जी को,
कि दो तीन शब्द बोले हमारे तिपरासा, हमारे नॉर्थ ईस्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के लिए। थैंक यू।